डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। बीते साल 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर रिया तक सब ने सुशांत पर ड्रग्स और गांजा लेने के ना जाने कितने ही आरोप लगाए। बीते एक साल से केस की जांच भी चल रही है। इसी बीच अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में सुशांत और सारा के लिए जो बातें कही, उसे सुशांत के फैंस को जरूर सुनना चाहिए। दरअसल नीतीश भारद्वाज ने सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान के साथ केदारनाथ फिल्म में काम किया था, और हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ नीतीश ने बातचीत की, जहां नीतीश से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सुशांत को केदारनाथ के सेट पर ड्रग्स लेते देखा था। इस पर नीतीश ने कहा, एक बार पूजा गौर मुझे टीवी जगत के बदलते माहौल के बारे में बता रही थी, बातों बातों में मुद्दा ड्रग्स तक पहुंच गया। ड्रग्स की समस्या तो फिल्म इंडस्ट्री में भी सुनी है। मुझे याद है कि मैंने सारा को ड्रग्स से दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उनका सुनहरा करियर शुरू ही हुआ था, जिसके बाद सारा ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया और मुझसे वादा किया कि वह कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगी। नीतीश ने आगे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत सिगरेट तो पीते थे, लेकिन वो चुस्त दिमाग के इंसान थे। अगर कोई ड्रग्स का सेवन करता है तो इतना चुस्त नहीं हो सकता। वो सुशांत की तरह बुद्धिमानी वाली बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मैंने कभी सुशांत और सारा की आंखें भी नशे के कारण चढ़ी हुई नहीं देखी, वो हमेशा नॉर्मल दिखते थे। सुशांत एक अलग ही दुनिया में रहता था, हमें कॉस्मोलॉजी, ग्रहों का विज्ञान और गैलेक्सी के बारे में बात बताता था। इसके साथ ही इंटरव्यू में आगे नीतीश ने सुशांत के साथ हुई उनकी आखिरी बातचीत के बारे में भी बताया। नीतीश ने कहा कि सुशांत की मौत से 36 घंटे पहले उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने उनसे कहा कि मैं उस शाम उससे मिलने जाने वाला था, शुक्रवार को फोन पर बात हुई, मैं उसके घर जाने वाला था, वह मुझे टेलीस्कोप से चांद और तारे दिखाना चाहता था। उसने मुझे फोन कर कहा, सर आपको घर आना पड़ेगा। मैंने उससे कहा ठीक है आ जाऊंगा। नीतीश भारद्वाज द्वारा कही गई सुशांत के बारे में एक बातें कहीं ना कहीं फैंस को राहत जरूर पहुंचाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।